हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन बताऊंगी जहां से आपके 16 मार्क्स के चार क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक है। सबसे पहले हमारा NCF का, NCF होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी आपका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो फ्रेमवर्क था 2005, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका हर बार एग्ज़ाम में आ चुका है, चाहे 4 मार्क्स में आए या 16 मार्क्स में, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपके जो भी कमीशन्स है यानी आयोग, सबसे पहले आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, दूसरा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, ये 1964-66 ये वाला है, और तीसरा है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो हफ्ते इसमें 1986 वाला और एक 1992 वाला, दोनों ही आपने पढ़ने हैं अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में हर बार देखा गया। एक आपकी राम मूर्ति शिक्षा आयोग 1990 वाली, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसमें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जो कमीशन्स हैं और ये NCF है, इनमें से जो आपके 16 मार्क्स के दो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, कोई एक कमीशन डाल देगा, NCF डाल देगा, या दोनों कमीशन डाल देगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर ध्यान से लिखना है कि किस कमीशन के बारे में वो पूछ रहा है। तो यहाँ से आपके जो दो कमीशन है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। एक आपका जो प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स, ये है आपका औपनिवेशिक शासक के दौरान भारत के अंदर जो शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में बताना। इसकी जस्ट आपने रीडिंग लेनी है और कुछ नहीं लेना। कई बार आ जाए पेपर में 4 मार्क्स में या वैसे 16 में, तो आप लिख लो इजीली, बस इसकी रीडिंग लेनी है, ज़्यादा ये टफ है ही नहीं। उसके बाद हम आता है हमारा LPG मॉडल। LPG होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद आपका वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी व्यवसायीकरण, शिक्षा के अंदर आपका जो व्यवसायीकरण होता है वो कैसे होगा, किस तरीके से है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन यानी आपका आधुनिकीकरण, इसका पूरा आप कंसेप्ट, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो सारी चीज़ें होती है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है शिक्षा के ऊपर, सारी चीज़ें आपने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर पढ़नी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, यानी जो आपकी खुली अधिगम होता है या शिक्षा होती है वो, और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी आपका जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो जो इशू आए हैं, जैसे MDM यानी मिड डे मील, एक आपका सर्व शिक्षा अभियान SSA, और एक आपका RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, इन तीनों को आपने अच्छे से पढ़ना है, और यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण का, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद एक छोटा सा रह जाता है हमारा 3-language formula, ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, 4 मार्क्स में भी डाल देते हैं। तो त्रिभाषीय शिक्षा जो होती है या फॉर्मूला जो होता है उसके बारे में आपने पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में से आपके जो चार क्वेश्चन है 16 मार्क्स के आ जाएंगे, और वो आप अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे, इन टॉपिक को, वो आपके अच्छे से अटेम्प्ट हो जाते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इस पेपर के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज को वो चेंज कर देता है, कोई कोटेशन डाल देता है या कुछ भी, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के देता है, लेकिन आपने डरना नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, आप उनको पढ़ोगे समझोगे तो आपके क्वेश्चन जो है अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।